वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखते हैं जो मारुति बलेनो डेल्टा में जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है इनबिल्ट, उसको कैसे एनेबल करना है, और जो शॉक सेंसर्स है इसमें उसको कैसे एनेबल करना है, उसके क्या क्या सेटिंग्स है। उस सेटिंग में आपको एंटर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किलोमीटर का जो मेन रेंज है वहाँ पर आपको आना है। इस नॉब से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड का नॉब प्रेस करके। उसके बाद आपको राइट साइड का ये जो नॉब है इसको 3-4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है उस सेटिंग में एंटर करने के लिए। आप देख सकते हो क्लॉक दिख रहा है यहाँ पे। फिर इसको आपको राइट साइड पे या फिर लेफ्ट साइड पे आपको घुमाना है जब तक सिक्योरिटी नहीं दिख जाता है। ये सिक्योरिटी सेटिंग है, उसको सिलेक्ट करने के लिए ये आपको प्रेस करना है। कोई भी सेटिंग आपको प्रेस करने के लिए ये बटन प्रेस करना है, और नेविगेट करने के लिए इसको राइट या लेफ्ट पे सिर्फ घुमाना है आपको। तो मैं आपको ये सिलेक्ट कर देता हूँ। इसमें 4 टाइप के सेटिंग्स है, S1, S2, S3 और S4। उसके बाद बैक का ऑप्शन है इस सेटिंग से बाहर आने के लिए। मैं आपको S1 का मीनिंग समझा देता हूँ। S1 में 2 सेटिंग्स है, SL1 और SL2। अभी SL1 सिलेक्टेड है। SL1 का मतलब है मेरा सिक्योरिटी सिस्टम अनेबल है। अगर SL2 सिलेक्ट करते हो आप तो आपका सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाएगा। जब तक सिक्योरिटी सिस्टम S1, SL1 आप एनेबल नहीं करोगे तब तक आपको S2, S3 और S4 ये जो सेटिंग्स है वो आपको नहीं दिखेंगे, मतलब वो डिसेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप नहीं देख पाओगे उसको। ये SL1 सिलेक्टेड है। जब आपका सिक्योरिटी सिस्टम एनेबल रहता है तो आप अगर कार को बाहर से लॉक करते हो तो यहाँ पे जो रेड कलर का इंडिकेटर है जो ये ब्लिंक होता है, इसका मतलब है सिक्योरिटी सिस्टम आपका एनेबल है। आपको मैं आगे वाले सेटिंग्स S2 का जो भी मीनिंग है आपको मैं बता देता हूँ। S2 का मतलब है शॉक सेंसर्स। इसमें भी 2 सेटिंग्स है, SL1 और SL2। आप देख सकते हो SL1 सिलेक्टेड है, इसका मतलब कार के जो शॉक सेंसर्स है वो एनेबल है। SL2 अगर आप सिलेक्ट करके रुके तो वो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद है S3 है प्री ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी। इसके 15 तक लेवल है इसका। अभी ये L00 पे है, मतलब ये डिसेबल है अभी प्री ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी। आप इसको 15 तक सेट कर सकते हो। 00 ये लोएस्ट लेवल है और 15 ये हाईएस्ट लेवल है। डिफ़ॉल्ट इसका 09 लेवल सेट रहता है ऑलरेडी। आप इसको 14 पर भी रख सकते हो। इसको सेट करने के लिए राइट साइड का नॉब आपको सिर्फ ये प्रेस करना है। तो मैंने इसको लेवल 14 पे सेट कर दिया है। इसके बाद है S4। S4 का मतलब है फुल ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी। ये डिफ़ॉल्ट 9 पे रहता है लेवल। 0 से 15 तक इसका लेवल है, मैक्सिमम 15 है, और जो लोएस्ट लेवल है वो 00 है, ये आप देख सकते हो। मैंने इसको 15 हाईएस्ट लेवल पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है 15। आप देख सकते हो अगर ये सिलेक्टेड जो भी सेटिंग है उसके ऊपर SEL करके लिख के आता है, आप फिर आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेटिंग सिलेक्टेड है। अभी मैं S4 से बाहर आता हूँ। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम और शॉक सेंसर्स का सेटिंग है। अभी मेरा सिक्योरिटी सिस्टम और शॉक सेंसर्स एनेबल है। अभी आप अभी देखते हैं बाहर से अगर कार को कोई भी शॉक लगता है या फिर मैं कार पे टैप करता हूँ तो अलार्म हो जाएगा, गाड़ी का जो भी इंडिकेटर्स है वो ब्लिंक हो जाएंगे। तो अब देखते हैं अभी बाहर से टैप करके कार को। अभी मैं कार को लॉक करता हूँ, आप देख सकते हो कि ये रेड लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट कर देगी। अभी कार को लॉक कर रहा हूँ, आप देखोगे ये, इसका मतलब है सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वो एनेबल है। अभी बाहर से देखते हैं। अभी मैं कार को लॉक कर रहा हूँ, कार को लॉक किया। अभी मैं इस पर टैप करता हूँ कार पे, आप देख सकते हो ये इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है। ये जो शॉक सेंसर है मैंने इसका लेवल, और ये आप देख सकते हो कि जो भी वार्निंग है जो भी साउंड है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको आपको डिसेबल करना है तो आपको अनलॉक की प्रेस करनी है। अनलॉक की से ये बंद हो जाता है। वापस से देखते हैं शॉक सेंसर का जो फुल ब्लास्ट वार्निंग S4 का जो सेटिंग है वो मैंने लेवल 15 मतलब हाईएस्ट पे रखा है। आप कहीं पर भी अगर टैप करते हो तो आप देख सकते हो ये लाइट ब्लिंक होते हैं फर्स्ट इंडिकेटर, और फिर इसको फिर आप बंद करने के लिए अनलॉक का बटन प्रेस करना है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है जो बलेनो में इनबिल्ट है, फुल ब्लास्ट वार्निंग सेंसिटिविटी। अगर आपके कुछ दोस्तों क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में लिख दो।
अगर आपके कुछ सजेशंस हो, क्वेश्चंस हो, तो उसको कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू.